इन तारों को जरा ध्यान से देख लीजिएगा सर, क्योंकि ये पूर्व ऊर्जा मंत्री माननीय प्रियव्रत सिंह का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था एक बार और दिखा दीजिए दीपक। ये बिजली की व्यवस्था है, यहाँ पर पेड़ पर तार टांगे जाते हैं और नीचे बच्चे खेलते हैं। इन बच्चों की तस्वीर अभी जरा ले लीजिए। अगर कोई बुखार या ताव कोई भी बीमार हो जाते हैं तो उनको तोप के लाना पड़ता है खाट पे। अच्छा, खटिया पे लेकर आ? खटिया पे लेके पानी है, नीचे नहीं चलता है तो फिर क्या करें? इन तारों को जरा ध्यान से देख लीजिएगा सर, क्योंकि ये पूर्व ऊर्जा मंत्री माननीय प्रियव्रत सिंह का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था एक बार और दिखा दीजिए दीपक। ये बिजली की व्यवस्था है, यहाँ पर पेड़ पर तार टांगे जाते हैं और नीचे बच्चे खेलते हैं। इन बच्चों की तस्वीर अभी ज़रा ले लीजिए। अगर कोई कल से हादसा हो जाता है तो ये मत कहिएगा कि हमारी उचित व्यवस्था थी, वो तो प्राकृतिक आपदा थी इसलिए यह हादसा हुआ। अब ये ग्रामीण हमारे आसपास खड़े हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनकी निजी ज़िंदगी में क्या क्या दिक्कतें आती है। और गांव जो है ये पुआरखेड़ी है और खिलचीपुर तहसील में आता है, इसलिए हमने माननीय प्रियव्रत सिंह जी का नाम लिया है। अब शुरू करते हैं, एक एक कर से इनसे बातचीत करते हैं। ये काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ पर बता रहे थे कि सर यहाँ पर रोड नहीं है, हमको राशन लेने के लिए एक जो नदी जैसा एक बना हुआ है, आप तस्वीरों में देख लीजिए, अभी तस्वीरों में आपको दिखा देते हैं, वो क्रॉस करके उस कच्चे रोड पर जाना पड़ता है और तब जाकर उनको राशन मिलता है। ऐसे एक नहीं बल्कि दो गांव हैं जो राशन लेने के लिए इसी रोड से जाते हैं और अगर इस रोड से ना जाए तो उनको राशन भी नहीं मिलता। काफ़ी लोग बता रहे थे कि बिजली की इतनी कमी है यहाँ पर, क्योंकि अटल ज्योति के तहत ये बिजली आती है, इसलिए कम से कम 4-5 घंटे यहाँ पर बिजली की कटौती होती है। और अभी हाल ही में एक यहाँ पर इस गांव में हादसा हुआ है जो कि बिजली की वजह से हुआ है। हमारे गांव में जो चिमनी जलाई जाती है उससे एक लेडीज झुलस गई थी, उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। खैर, मौत की वजह से हम इस वीडियो को प्रमोट नहीं करना चाहते, लेकिन वो हादसा हम आपको बताना चाहते हैं ताकि माननीय प्रियव्रत सिंह जी की आँखें खुले, उनको पता चले कि उनकी तहसील में बिना बिजली के कारण एक महिला की मौत हुई है। तो चलिए गांव वालों से बातचीत करते हैं, सब लोगों से पूछते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर शिवराज सिंह सोनगरा। सोनगरा जी, क्या क्या परेशानियां हैं? ये बिजली की है सर, पानी की भी, एक ही हैंडपंप चलता है, गर्मी में पूरा गांव में पानी भी नहीं मिलता है और ये नाला भी है, इधर से ना तो रास्ता बंद है और राशन कहाँ लेने जाते हैं, यूँ जाते हैं तो चक्कर शेर, फिर महिलाओं को बैठा के ले जाते हैं, पास में पड़ रही है हमारे पुलियानी, और इधर देवली सांगा के हमारे पुआरखेड़ी के मकान है, 10-12 मकान है, उनको निकलने में परेशानी। अगर कोई बुखार या ताव कोई भी बीमार हो जाता है तो उनको तोक के लाना पड़ता है खाट पे। अच्छा, खटिया पे लेकर आते? खटिया पे लेके पानी है, नीचे नहीं चलता है तो फिर क्या करें? तोक के लाए तो खटिया पे, अगर ज़्यादा स्थिति हो तो खटिया पे लाना पड़ता है। देखिए सर, डिजिटल इंडिया है हमारा और ये आज़ाद भारत की तस्वीरें, आप खुद ही इमेजिन कर लीजिएगा। हाँ, खटिया पर मरीज को लाना पड़ता है। हाँ सर, 10-12 मकान है तो बहुत ही दिक्कत खराब है उनकी, क्योंकि अगर बुखार उखार ताव वाव भी आ जाती है तो कैसे आते हैं, नाला आ जाता है इधर, पुलिया नहीं है और राशन भी देवली लेने जाते हैं तो इधर इसी रास्ते से जाती है। अच्छा, और सर जो निकलवे वाले सवारी भी रहती है, कोई भी बाहर को मेहमान कहीं भी जा रही हो मिल रही हो, वो नाला में पड़ता भी सर, उठाते हम जाके फिर। अच्छा, तो शिवराज जी एक सवाल उठता है कि आपने सरकार से गुहार लगाई, किसी से बोला, सरपंच से, सचिव से? सरपंच से, मंत्री जी से बोली सर, नहीं है कि हमारी पुलिया करो दो, 5 साल हो गए बोलते। अच्छा, 5 साल हो गए निकल? 5 साल हो गए। क्या नाम है आपका? अरे आप ही बोल दो। अच्छा, मेहमान है, चलिए मेहमान है। हाँ, एक बार और नाम बता दीजिए। सागर कुशवाहा। सागर जी, अच्छा ये जो घर है ये उस पार रहते हैं, सड़क की एक बार और तस्वीर देख लीजिए, ये जो नदी है, नदी का खाल बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, उस पार रहते हैं हम, नाला के पार रहते हैं सर। हाँ, वहाँ बहुत सारी परेशानी है जाने की, वहाँ 10-20 मकान है। हाँ, और नाला पड़ता है पास। आपका रोज रहता है, रोज आना जाता रहता है? रोज आना जाना रहता है सर। ये पुलिया की शिकायत हमने प्रियव्रत सिंह जी से भी की थी। अच्छा, क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने वादा किया था कि चुनाव के पहले हम पुलिया बनाएंगे। अच्छा, लेकिन अभी तक नहीं आए वो। हाँ, और पूरे घर वाले इसी रोज का काम? पूरे घर वाले को रोज जाना आना पड़ता है इसी रास्ते से। अगर बारिश ज़्यादा हो गई और कोई बीमार हो गया तो खटिया पे उठा के ले जाना पड़ता है उनको। अच्छा, हमेशा से कभी भी पुल नहीं बनी यहाँ पे? पुल बनी नहीं,
इधर ये संडावता रोड यहाँ खत्म हो गया और हाँ। वो जो देवली सा है वो रोड नाला के पेलांग खत्म हो गया हाँ। इससे इधर रोड ही नहीं है, नहीं है बिल्कुल भी रोड है ही नहीं, तो बड़ी परेशानी का सामना, बहुत ज्यादा परेशानी है सर हमको। कितने घर है उधर? 20 घर है सर। अच्छा 11 आवास है। अच्छा 11 आवास है, 20 घर है। 20 घर है, 70-80 लोग रहते हैं वहाँ पे। अच्छा रोज का आना जाना पड़ता है, बच्चों बच्चे को स्कूल छोड़ने ले जाने में बहुत ज्यादा परेशानी। अच्छा 10 लोगों को पेंशन मिलती है लगभग 10-12 लोगों को पेंशन मिलती है जी सर, और 20 घरों में लगभग 80 लोग रहते हैं। अच्छा। तो आप जरा देखिएगा कि आपके जो 80 वोट है वो खतरे में है, उनको बचा लीजिएगा तो अगली बार वो आपको वोट दे पाए। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, देखो हम यहाँ पर आए तो बहुत सारी दिक्कतें बताई गई, यहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ बताई गई और बड़ा बड़ा दुख होता है सर। इसलिए दुख होता है क्योंकि आपके क्षेत्र में आप ऊर्जा मंत्री रहे हैं, आपके क्षेत्र में बिजली की समस्या है, एक महिला की मौत हो जाती है बिजली ना होने के कारण। तो आप ज़रा कल्पना कीजिएगा कि आपने किस तरह से बिजली की व्यवस्था संभाली थी। आप जब ऊर्जा मंत्री रहे थे तो आपने बड़े बड़े दावे तो किए थे लेकिन कभी पुआरखेड़ी गांव में आप आए नहीं होंगे। तो ये काफ़ी सारे बच्चे और काफ़ी सारे ग्रामीण खड़े हैं, बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो कोई देखता नहीं है, और हम आप तक ये वीडियो पहुंचाना चाहते हैं, हम आपको ये वीडियो दिखाना चाहते हैं ताकि आप इस समस्या को समझें, इस समस्या को सुलझाएँ, और जब सुलझा देंगे तो वापस से हम इसी गाँव में आएँगे, जिस मुँह से आपकी खिंचाई कर रहे हैं उसी मुँह से आपकी बड़ाई भी करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ग्रामीणों से अनुरोध है कि आप वीडियो शेयर करेंगे तो इस खबर का असर उतनी ही जल्दी होगा।